मैं डॉक्टर इरशाद अली खान सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवान में कार्यरत हूँ। हम आज राजनीतिक सिद्धांत का हास यानी कि पतन और पुनरुत्थान का अध्ययन करेंगे, यानी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि रॉबर्ट एडहाइल ने कहा है कि आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक चिंतन प्रधान राजनीतिक दर्शन और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत के बीच सह अस्तित्व की स्थिति को सही और संपूर्ण अर्थों में अपनाया जाए। राजनीतिक सिद्धांत मोटे रूप में दो प्रकार के हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत यानी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी अथवा राजनीतिक आदर्श सिद्धांत या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कतिपय विशेषताएं इसके अध्ययन का आधार दर्शन है, इसकी जड़ें इतिहास में है। यह राजनीति में मूल्यों के आधार पर अध्ययन पर बल देता है। यह राजनीति के आदर्शात्मक नॉर्मेटिव पक्ष पर अधिक बल देता है। इसमें इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि क्या होना चाहिए, और यह राजनीतिक अध्ययन को नीतिशास्त्र इथिक्स के अध्ययन अधिक समीप ला देता है। इसके निष्कर्ष कल्पना पर आधारित होते हैं। TH ग्रीन, हब हाउस, GDH कॉल, RH टोनी, हेराल्ड लास्के के विचारों में राजनीति की शास्त्रीय परंपरावादी सिद्धांत धारा का दिग्दर्शन होता है, क्योंकि उनके विचारों का ध्येय नैतिक उपदेश टू पास मॉरल जजमेंट्स देना है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति सिद्धांत राजनीति को विज्ञान साइंस बनाना चाहता है। यह अनुभवी पद्धतियों एम्पिरिकल मेथड्स का प्रयोग करता है तथा तथ्यों का संकलन पर बल देता है। इसके निष्कर्ष प्रवेक्षण अनुभव और तथ्यों पर आधारित होते हैं। राजनीति सिद्धांत के हास यानी पतन के से अभिप्राय हम ये कह सकते हैं कि जब हम राजनीति सिद्धांत के हास या पतन डिक्लाइन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय परंपरावाद राजनीति सिद्धांत के हास से है। परंपरावाद राजनीति सिद्धांत की एक लंबी परंपरा रही है। इसका प्रारंभ प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और लास्के जैसे दार्शनिकों के चिंतन एवं ग्रंथों में मिलती है। इसकी जड़ें इतिहास और दर्शनशास्त्र में नीत यह है। राजनीति को नैतिक इथिक्स से जोड़ता है और मूल्यों पर आधारित वैल्यू बेस्ड दर्शन था। कुछ विचार इसे आदर्श राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। आज राजनीतिक दार्शनिकों की महान परंपरा का अवसान नजर आने लगा है। डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कॉबन और अनेक समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों की धारणा है कि उस राजनीतिक सिद्धांत का जिसका संबंध वे राजनीतिक दर्शन से जोड़ते हैं कि परंपरा का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। डेविड स्टर्न और अल्फ्रेड कॉबन जैसे विद्वानों ने तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात कही, वहीं पीटर लॉसलेट और तथा रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक सिद्धांत के निधन की भी घोषणा कर दी है। ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों पर जहाँ कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पालन पोषण हुआ था, आज यह सुनने को मिलता है कि राजनीतिक सिद्धांत मर्दप्राय हो चुका है अर्थात हास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण में हम देख सकते हैं डेविड स्टर्न तथा अल्फ्रेड कॉबा जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के हास पतन के कारणों की विस्तार से विश्लेषण किए। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अभ्युदय और उत्कर्ष सामाजिक अर्थव्यवस्था और परिवर्तन की दिशा में होता है। प्राचीन यूनान की सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल ने प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारकों को जन्म दिया। इसी प्रकार मध्ययुग के सामाजिक और धार्मिक संघर्षों ने जिन महान चिंतकों को जन्म दिया उनमें एक और संत अगस्टाइन, संत टॉमस एक्विनास जैसे महान विचारक हैं जिन्होंने चर्च की सर्वप्रवृत्ता को समर्थन किया, तो दूसरी ओर पाडुआ के मार्सिलियो और ओकम के विलियम हुए जिन्होंने राज्य को सर्वोत्तम स्थान दिया। इंग्लैंड में 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजदर्शन के अभ्युदय के कारण गहन धार्मिक और राजनीतिक विवाद की स्थिति रही, अथवा 18वीं शताब्दी में महान क्रांति की कोक में से फ्रांस में नवीन राजनीतिक विचारों का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी के मध्य में जैसा कि डेविड स्टर्न का कहना है कि हम सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक परिवर्तन के बुनियादी संकट से गुजर रहे हैं, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि दुनिया के किसी भी कोने में राजनीतिक दर्शन का उत्कर्ष नहीं हुआ। डेविड स्टर्न के शब्दों में समसामयिक राजनीतिक विचार एक शताब्दी पुराने विचारों पर परजीवी के रूप में जीवित है, और सबसे बड़ी हतोत्साही बात यह है कि हम नए राजनीतिक संश्लेषणों के विकास की कोई संभावना नहीं देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समाज विज्ञान किसी नए अरस्तु और किसी नए न्यूटन के आने का इंतजार कर रहे हैं। यदि राजनीतिक सिद्धांत के लिए वर्तमान संभावनाएं आने वाली घटनाओं के वास्तविक मोड़ की कोई घोतक है तो इस प्रकार का इंतजार बेकार, क्योंकि हम ऐसी भूमि तैयार नहीं कर पा रहे हैं जिसमें क्रांति का रचनात्मक चिंतन उत्पन्न हो सके। राजनीतिक सिद्धांत के हास के निम्नलिखित कारण हम बता सकते हैं कि महान राजनीतिक दार्शनिकों की परंपरा का अवसान हुआ। कार्ल मार्क्स, जेएस मिल और लास्के के बाद एक भी उल्लेखनीय राजनीतिक दार्शनिक नहीं हुआ। वस्तुतः राजनीतिक दार्शनिक महान परंपरा का अवसान हो चुका है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन होना स्वाभाविक है।
राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने की चेष्टा है। राजनीति सिद्धांत के हास का दूसरा कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव राजनीति शास्त्री राजनीति शास्त्र को राजनीति का विज्ञान बनाने की चेष्टा करने में लगे। जब राजनीति को विज्ञान बनाने की चेष्टा में सब लोग जुटे हों तो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका आधार दर्शन है ना कि विज्ञान। व्यवहारवाद का उदय और प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का बोलबाला बढ़ने लगा। व्यवहारवाद का आधार नई अनुभववादी प्रविधियाँ जिनमें सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे पद्धति आदि प्रमुख हैं। इन नवीन पद्धतियों के कारण चिंतन और अनुसंधान यानी रिसर्च और फिलोसफी को पृथक करना सहज हो गया है। अब राजनीतिक शोध में कल्पना, नैतिकता, सौंदर्य बोध जैसे दार्शनिक तत्व चिंतन की प्रभावशीलता कम होने लगी है। तथ्यों के संकलन पर जोर दिया जाने वाला जोर जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत मूल्य परक होता है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत भी मूल्य परक वैल्यू बेस्ड था, किंतु आज तथ्यों फैक्ट्स के संकलन पर अधिक बल दिया जाता है। आज तो तथ्यों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जो ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, वे इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीति विज्ञान को अपना संपूर्ण शक्ति से तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। आज तथ्यों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसलिए भी परंपरागत स्वरूप वाले राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हुआ है। इतिहासवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। कतिपय विद्वानों का कहना है कि इतिहासवाद हिस्टोरिसिज्म की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण भी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है, ना कि नवनिर्माण। प्लेटो अरस्तु से लेकर 19वीं शताब्दी तक राजनीतिक सिद्धांत का रचनात्मक भूमिका रही, जिसका अर्थ यह था कि राजनीतिक चिंतक अपने समय की घटनाओं का यथार्थ मूल्यांकन कर यह निर्देशित करते थे कि सामाजिक राजनीतिक घटनाओं किस दिशा में मोड़ा जाना चाहिए अर्थात क्या होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का स्थान जब राजनीतिक विचारों के इतिहास ने ले लिया और उसने उपयुक्त रचनात्मक भूमिका त्याग दी। G.H. Sabine, R.W. Carlyle, W.A. Dunning, H.C. McIlvaine, A.D. Lindsay जैसे लेखकों ने पश्चिमी यूरोपीय देशों के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत और उसके विकास का अध्ययन किया है। इनकी रचनाओं के गहन अध्ययन से पता चलता है कि उन्हें नए मूल्य सिद्धांत के विश्लेषण और निर्माण करने में रुचि लेने की अपेक्षा समसामयिक व पुराने राजनीतिक मूल्यों के ऐतिहासिक विकास एवं आंतरिक संगतता व अभिप्राय के बारे में जानकारी को बनाए रखने के विचार से अधिक प्रेरणा मिली है। इस प्रकार के विश्लेषण ने बौद्धिक गतिविधि की एक प्रजाति को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई है। विचारधाराओं का बढ़ता हुआ प्रभाव में जब जर्मिनो जैसे विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण 20वीं शताब्दी के पूर्वाध में विचारधाराओं के बढ़ते हुए प्रभाव को मानते हैं। निराशावाद यानी अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का एक और कारण उनकी निराशावाद की पुष्टि में देखा जा सकता है, जो राजनीति के किसी विचार युक्त विवेचना में नैतिकता के स्थान की अपेक्षा करता है। आज का राजनीति के सामाजिक गति को और सत्ता की राजनीति में कार्यों के ऊपर मूल्यों को प्राथमिकता देने वाला नहीं है। यदि अतीत में राजनीतिक सिद्धांत अधिक लोकप्रिय हुआ तो इसका यह कारण था कि वह नीतिशास्त्र या आचार शास्त्र की शाखा के रूप में जीवित था। इसके विपरीत आधुनिक राज्य विज्ञान में आज इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती कि इसे कैसे होना चाहिए, और मेरे विश्वास में इसका यह कारण है कि यह विचारों के दो तरीकों से दब गया है जिनका इसकी नैतिक और अंतर्वस्तु पर घातक प्रभाव पड़ा है। वे हैं इतिहास और विज्ञान, उन्होंने आधुनिक मस्तिष्क पर अधिकार जमा लिया है। अनुभववाद यानी 20वीं शताब्दी को अति तथ्यवाद का युग कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रतिष्ठा कम हो गई है। अधिकाधिक विद्वान इंद्रियानुभाविकवाद को अपनाने लगे। इंद्रियानुभववादी अनुसंधान भी तथ्यवाद का पर्यायवाची बन गया। अधिक से अधिक तथ्य एकत्रित किए जाने लगे। अति तथ्यवाद से जो निष्कर्ष निकाले जाते थे वे मात्र सामान्यकरण होते हैं। जिस ढंग से अनुसंधान में तथ्यवाद का जोर बढ़ता गया, उसी रूप में राजनीतिक सिद्धांत की प्रतिष्ठा कम होने लगी। राजनीति मात्र शैक्षणिक अध्ययन। आज राजनीति मात्र शैक्षणिक अध्ययन का विषय बनकर रह गया है। कोबा के अभिमत में प्राचीन काल में राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक था। सिद्धांत शास्त्र और चिंतक अपने आप में दलीय व्यक्ति था। वह राजनीति में स्वयं भाग लेता था, अपने व्यवहार को सिद्धांत के साथ समायोजित करता था। अतीत में राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन विश्लेषण ऐसे लोगों का कार्य था जो व्यवहारिक राजनीति से गहन रूप से संबंधित होते थे। इसके प्रतिकूल आज यह एक शैक्षणिक विषय मात्र बनकर रह गया है। राजनीति विज्ञान सिद्धांत से अलग हो गया है, जबकि अतीत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम यह कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में परंपरावादी शास्त्रीय स्वरूप वाले राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास होने लगा, जिसका प्रमुख कारण रहा
राजनीति को विज्ञान बनाने की प्रवृत्ति, व्यवहारवादी आंदोलन, इतिहासवाद, अति तथ्यवाद, विचारधारा का बढ़ता प्रभाव। फिर भी ये कल्पना कहना समीचीन प्रतीत होता है कि परंपरावाद राजनीति संघ की परंपरा एकदम समाप्त हुई है। फर्क केवल इतना ही है कि जहाँ पश्चिमी देशों में इसका प्रभाव सीमित और मंद हुआ है, वहाँ पूर्व में परंपरावादी दर्शन अति उग्र और आक्रामक हो गया है। पश्चिम में विद्वान विज्ञान और व्यवहारवाद के कारण परंपरावाद कमजोर हुआ है, वहाँ पूर्व में परंपरावादी दर्शन अति उग्र और आक्रामक हो गया है। पश्चिम में विज्ञान और व्यवहारवाद के कारण परंपरावाद कमजोर हुआ है, वहाँ पूर्व में धर्म और दर्शन के प्रभाव विज्ञान और व्यवहारवाद के अभाव के कारण प्रबल हुआ है। राजनीति सिद्धांत के पतन और ह्रास से संबंधित विवाद में हम कह सकते हैं डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों में राजनीतिक सिद्धांत के भविष्य को लेकर विवाद चल पड़ा कि वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत का कोई भविष्य है या नहीं है। प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन का मानना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कोरे चिंतन मनन पर आधारित है और उसमें राजनीतिक यथार्थ के गहन निष्कर्षण का अभाव है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत उस उथल पुथल के उपज है जो बीते युग के इतिहास की विशेषता रही है, समकालीन समाज में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। डेविड ईस्टन का मानना है कि अन्य समाज विज्ञानों में अध्ययन में के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित मिला है। अर्थशास्त्रवेत्ताओं एवं समाज वैज्ञानिकों ने तो मनुष्य के यथार्थ व्यवहार का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया, परंतु राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक इस मामले में बहुत पीछे हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान समाज वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रवेत्ताओं को तो निर्णय प्रक्रिया में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया था तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई है, परंतु राजनीति विज्ञान के विद्वानों के ज्ञान कौशल और अनुभव की उपेक्षा की गई, उनको किसी ने महत्व नहीं दिया। अतः डेविड ईस्टन का मत है कि राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों का को भी अन्य समाज विज्ञान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का निर्माण करना चाहिए ताकि उन्हें भी निर्णय प्रक्रिया में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके। ईस्टन का मत है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रदान है तथा इसके अंतर्गत मूल्यों के निर्माण पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों के विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं। राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों को तो केवल राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में कार्य कारण सिद्धांत में अपना योग देना चाहिए। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले ही डेविड ईस्टन ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। ईस्टन, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था एक था, उसने व्यवहारवादी क्रांति को एक नया मोड़ देते हुए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब तक व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, ये मानते थे कि दो कॉपी करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। जब वैचारिक संरचनाओं पर व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवाद का रूप ले लिया था, ये मानते थे कि जब वे वैचारिक संरचनाओं प्रतिमानों सिद्धांतों और अति सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे, उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया की तीव्र सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था, वे स्वयं उनके संबंध में अनजाने थे। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों का उपभोग्य की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि उस शोध और अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसमें समाज व राजव्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों और समस्याओं के निदान की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। इस प्रकार उन्होंने समकालीन समाज पर छाए हुए संकट को पहचाना और वैज्ञानिक अनुसंधान को समकालीन समाज की विकट समस्याओं का समाधान लगाने पर बल दिया। राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान के बारे में हम बात करें तो उसमें हम ये कहते क्या पाएंगे कि राजनीति सिद्धांत का ह्रास पतन हो गया है, ये ठीक नहीं है। अपनी दुर्बलताओं के बावजूद राजनीति सिद्धांत अब भी जीवित है और एक नए जोश के साथ उसका पुनः उत्कर्ष हो रहा है। विश्व शताब्दी में होने वाले विभिन्न मुद्दों और संकटों ने राजनीतिक विचारों में अत्यधिक अभिरुचि जागृत की है। सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर सिद्धांतकार अपनी अभिरुचि दर्शाने लगे। अब अनुभववादी सिद्धांतकारों ने, जिन्होंने पारंपरिक राज सिद्धांत और दर्शन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई, स्वयं बौद्धिक
दृष्टि से बाण साबित हुई। अनुभववादी रचनाएं मुश्किल से ही पारंपरिक राजशास्त्रों की महान रचनाओं की तुलना में श्रेष्ठ साबित हुई। आज भी प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, यस्मिल, मार्क्स आदि की रचना किसी भी व्यवहारवादी अनुभवी रचनाकार की कृति में कहीं कमजोर नहीं है। कोई भी व्यवहारवादी लेखक राजनीति सिद्धांत की दृष्टि में EF कैरिट, LT हॉबहाउस, RH टॉनी, AD लिंडसे और अर्नेस्ट बार्कर के योगदान की तुलना में ठहर नहीं पाता है। अनुभववादियों ने लास्की के सामाजिक सेवा वाले राज्य जैसे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। वस्तु तो मूल्यों और तर्क बुद्धि की अनुपस्थिति में राज्य सिद्धांत आगे पहुंच ही नहीं पाता। अनुभववादी सिद्धांत कई गलत मान्यताओं पर आधारित है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि तथ्य ही वास्तविकता है और यह वैज्ञानिक पद्धति की गलत मान्यता पर आधारित है। यह गलत मान्यता पर आधारित है कि अनुसंधानकर्ता और आंकड़ों में घनिष्ठ संबंध है। वस्तु तो उसके आंकड़े और तथ्य उसकी अपनी मान्यताओं भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का अनुभविक प्रयत्न सफल नहीं हो पाया है। 1950 के लगभग दशक में डेविड स्टर्न और काबा जैसे राजनीतिक सिद्धांत के हास और पतन के बारे में जो तर्क प्रस्तुत किया उसका खंडन ईसाई बर्लिन ने अपने प्रबल तर्कों से किया था। आज पश्चिम में परंपरावाद राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता प्रतिनिधि विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरंट, बर्टन ज्वेनेल, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोगलिन आदि मान जाते हैं। इनके चिंतन में हमें दार्शनिक और मूल्यात्मक चिंतन की झलकियां मिलती है। डेविड ईसाई बर्लिन ने सिद्ध करना चाहते थे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय आज भी विद्यमान है। बर्लिन का मत है कि राजनीति केवल उसी समाज में विद्यमान होती है जहाँ हितों का आपसी टकराव हो। कार्ल मार्क्स ने जिस भावी समाज की कल्पना की थी उसमें तो राजनीति का अंत संभव हो सकता है, लेकिन उदारवादी व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं है। इस दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत कभी अपना अंत नहीं कर सकती, नहीं देख सकता। बालेन का मानना है कि कट्टर व्यवहारवादी विचारकों ने मूल्यों के महत्व को समाप्त करके क्लासिक राजनीति के हास और पतन या पतन में योगदान करके राजनीति के अध्ययन को बड़ी ठेस पहुंचाई। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति के यथार्थ को गलत तरीके से समझने और उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। उन सभी विषयों का अध्ययन जिनका संबंध राजनीति से व्यवहारवादी तरीके से नहीं किया जा सकता। बर्लिन का मत है कि राजनीतिक सिद्धांत के किसी अंश ने अप्रचलित होने के कारण अपनी सार्थकता या अपना महत्व खो दिया है हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारा विषय ही अस्तित्व विहीन हो गया हो। ब्लांडेल ने भी बर्लिन की तरह ही इस समस्या का पर चिंतन किया है। वह सर्वप्रथम क्लासिक परंपरा का समर्थन करता है, उसके पश्चात आधुनिक व्यवहार परक राजनीतिक सिद्धांत की प्रशंसा करता है और अंत में यह मानता है कि व्यवहार परक परंपरा क्लासिक की परंपरा के पुनरुत्थान में बहुमूल्य रूप में उपयोगी हो सकता है। सेबाइन, ऑक्सफोर्ड और लियो स्ट्रॉस के विचारों का संदर्भ देते हुए वह आग्रह करता है कि महान क्लासिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना और बार बार पुनः चिंतन करना ऐसा मानसिक व्यवहार पैदा करता है जिससे मनुष्य और उसके भाग्य के प्रति सही दृष्टिकोण पैदा किया जा सके, परंतु इसके साथ ही वह क्लासिक परंपरा के कमजोर पक्षों पर भी प्रकाश डालता है। ब्लांडेल का मत है कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में व्यवहार परकवाद की भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति। न्याय के सिद्धांत के बारे में जॉन रॉल्स के योगदान को नई व्याख्या प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि यह क्लासिक की परंपरा के पुनरुत्थान का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे व्यवहार परकवाद के भार से सुदृढ़ किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत के उत्कर्ष की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियो स्ट्रॉस का है, जिनका कहना है कि यद्यपि राजनीतिक सिद्धांत दर्शन पतन और शायद निधन की स्थिति में हो सकता है, किंतु यह पूर्णतः आदर्श नहीं हो सकता हो गया है। वह महान क्लासिक विचारकों की तरह सिद्धांत का दर्शन से तदात्म्य करता है, उससे बढ़कर वह निश्चयवाद, इतिहासवाद और भांडे व्यवहारवाद के आधारों को प्रबल रूप से हटाकर अपने को स्वप्न लोक के राजनीतिक दर्शन की भांति पेश करता है। महान सामाजिक एवं राजनीतिक विचारकों के बारे में उसका अध्ययन कितना गहरा है और उसके व्यक्तित्व इतने प्रभावपूर्ण है कि आधुनिक युग में उसी को आदर्श मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत के उत्कर्ष हेतु एकमात्र संघर्षकर्ता कहा जा सकता है। EP मिलर ने लिखा है कि शायद ही पहले कभी किसी व्यक्ति का महान राजनीतिक दार्शनिकों के ऐसे दीप्यमान या सारगर्भित व्याख्याओं को प्रस्तुत करने पर इतना सम्मान मिला होगा। संक्षेप में, दर्शन के क्षेत्र में हुई क्रांति से राजनीतिक सिद्धांत कहा जाने वाला एक व्यापक दार्शनिक विषय उभर कर सामने आया है जो शैली में विश्लेषणात्मक तथा रीति विधान
संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण और तार्किक निश्चयवादियों के विपरीत राजनीतिक मूल्यांकन से इसका संबंध है। आज के कुछ महान विद्वान जैसे जॉन रॉल्स नॉजिक ने इस विषय में नए जीवन का संचार किया है, जिससे ये कहना कि राजनीति सिद्धांत मर्द हो चुका है अतिशयोक्ति मात्र होगा। वस्तुतः राजनीति सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, वरन एक नवीन रूप में इसका पुनरुत्थान हुआ है, पुनरुदय हुआ, रिवाइवल हुआ है। आज इतना ही इसमें, इसके बाद में हम राज्य की प्रकृति कार्य में उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।